हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, हमारा भारत सनातन संस्कृति का धारक व वाहक देश है। यहाँ के लोग प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक अपना प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार करते थे। चाहे मकान हो या मंदिर, सभी का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार ही होता रहा है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि यदि निवास या कर्म स्थान का वास्तु सही है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। देश में ऐसे अनगिनत भवन व मंदिर हैं जिनमें आधुनिक और प्राचीन वास्तुशास्त्र का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मंदिर है कानपुर का जेके मंदिर। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कानपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबंधित होना बताया जाता है। कालांतर अवध के नवाबों के शासनकाल के अंतिम चरण में ये नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही तथा सीमामऊ गांवों के मिलने से बना था। भक्तों, जेके मंदिर का प्रमुख त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर कई तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान के विशेष श्रृंगार पटार के साथ विशेष प्रकार के अभिषेक व पूजन किए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ भक्तों की बेशुमार भीड़ उमड़ती है। भक्तों, कानपुर का जेके मंदिर यानी श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास एक शानदार पार्क और झील स्थित है। रात के समय जब ये मंदिर पूर्ण रूपेण प्रकाश से जगमगाता है तो झील के पानी में मंदिर का सुहावना दृश्य प्रस्तुत होता है, जो दर्शकों, पर्यटकों और भक्तों का मन मोह लेता है। भक्तों, इस मंदिर परिसर में एक विद्युत द्वारा संचालित संगीतमय फव्वारा है। फव्वारे से उत्सर्जित होने वाली अद्भुत और आकर्षक रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें जब मंदिर पर पड़ती हैं तो कभी भगवान श्री राधा कृष्ण, शिव जी और हनुमान जी आदि देवी देवताओं की तस्वीरें प्रदर्शित होती हैं तो तस्वीरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। ये दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है और यात्री इसे बस निहारते ही रहते हैं। भक्तों, अगर आप जेके मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के जेके मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझे वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में जेके मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो जेके मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित जेके मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं
और श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन प्रसन्न कर उनका अनुग्रह चाहते हैं, तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, इति शुभम।